नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और उनसे भी कई हजार गुना आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तुला राशि वालों, आ गया भगवान शनिदेव जी का बड़ा आदेश। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो होगा, सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ बेटा, एक बार फिर से आपकी जिंदगी बदलेगी, इसलिए देर मत करो, जल्दी से वीडियो देख लो। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है, सुनकर लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने लग जाएगा। दोस्तों, वही खुशखबरी आपको मिलने वाला है जो खुशखबरी आपको कई वर्षों से इंतजार था। एक प्रकार से यूं कहें कि इसके लिए आपकी तरस गई थी, वही खुशखबरी अब आप सभी को मिलने वाला है। दोस्तों, मेरी बात को कोई भी मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। न्याय की देवता भगवान शनिदेव जी ने आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी और अब तक का सबसे बड़ा शुभ समाचार। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी का जीवन बदलने वाला है। आप सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के समय अंतराल में जो ग्रह गोचर बन रहा है और ग्रह गोचर का जो शुभ संकेत मिल रहा है, उसी के आधार पर आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे के भीतर आपकी राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और ना ही वीडियो को आधा अधूरा देखिएगा। वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको यह खुशखबरी मिल पाएगी, वरना यह मौका आपके हाथ से जा सकता है, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी ने अब आपकी भाग्य को लिख दिया है। अब आपके जीवन से वह पुराने सभी समस्याओं का अंत होगा, जो समस्या और जो परेशानी काफी लंबे समय से आपके जीवन में चल रही थी, अब उन सभी समस्याओं का अंत होने का समय आ गया है। अब आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जागने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आप लोग हो जाइए तैयार मिठाई बांटने के लिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथों में सफलता की चाबी होगी और खुशी के मरे आपके अंदर फूले नहीं समाएंगे। खुशी कुमारी, आप गदगद हो जाओगे और घर घर जाकर एक एक करके सबका मुंह में टकराना पड़ेगा, इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपको एक मौका और देने वाले हैं। आप पिछले समय अंतराल में क्या किए थे और क्या नहीं किए थे, उन सभी चीजों का हिसाब किताब हो गया है और उसी के आधार पर आपको एक मौका और मिलने वाला है। जी हाँ, और यह मौका भगवान शनिदेव जी ने खुद दिया है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस मौके को अपने हाथों से जाने मत देना। अगर आपको अपने जीवन को बदलना है, आपको अपने भाग्य को संवारना है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, यह बात तो आप सभी को पता ही है कि भगवान इनडायरेक्ट किसी के भी घर नहीं जाते हैं। भगवान सिर्फ संकेत देते हैं, इशारे देते हैं। जो समझदार होता है भगवान के संकेतों को समझ जाता है, वही लोग अपने जीवन में सफल हो पाता है और वही लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। कहते हैं ना कि समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी होता है, और ऐसा ही भगवान अब आप लोगों के साथ करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपने मां को पहचान लेता है, ठीक इस प्रकार कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है, भगवान अपने भक्तों को पहचान लेते हैं। जो लोग अच्छे कर्म की होते हैं, भगवान उन्हें मालामाल कर देते हैं, जमीन पर से उठाकर उन्हें आसमान तक पहुंचा देते हैं, और जो लोग बुरे कर्म किए होते हैं, भगवान उनकी वाट लगा देते हैं। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी अब आप लोगों के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो चुके हैं और सभी के कर्मों का फल देने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए तैयार आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो महत्वपूर्ण बदलाव, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आप सभी के जीवन में होने वाला है, इसकी आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंतरिक्ष के जो सबसे बड़े देवता हैं, अंतरिक्ष के जो सबसे बड़े स्वामी हैं, भगवान शनिदेव जी आप तो पर कुछ इस तरह से मेहरबान हो गए हैं, जो कि आपकी हर एक इच्छा, आपका हर एक सपना सच कर देंगे और आप जो चाहोगे वह सब एक चुटकियों में बदल जाएंगे। दोस्तों, अब आपके पास क्या नहीं होगा,
आपके पास बड़े बड़े घर भी होंगे, बड़ा बड़ा बंगला भी होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होंगी, बैंक बैलेंस, नौकर जाकर इज्जत मान सम्मान वह सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि न्याय की देवता भगवान शनिदेव जी ने आपके भाग्य के ताला खोल दिए हैं। सफलता के मार्ग चारों तरफ खुलने वाला है। एक प्रकार से यूं कहें कि आपके लिए स्वर्ग से भी सुंदर दरवाजा खुल चुका है। दोस्तों, भगवान यदि मेहरबान हो जाए तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती है। इंसानों की जिंदगी रातों रात बदल जाती है, टूटी फूटी किस्मत चमकने लगती है। अब आप अपने जीवन काल में वह सब करने वाले हैं जो किसी ने आज तक नहीं सोचा होगा। जी हां दोस्तों, आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है। आप अपनी जिंदगी को गरीबी में, दुख दर्द में नहीं बिताना चाहते हैं, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपका प्रयास सब व्यर्थ हो रहा है। क्योंकि मेहनत किस दिशा में करना चाहिए, किन क्षेत्रों में करना चाहिए, यह आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ नकारात्मक शक्ति भी आपके ऊपर हावी है, जिससे आपका ध्यान भटक रहा है, आपको सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन चिंता ना करें, न्याय की देवता भगवान शनिदेव जी का हाथ जब तक आपके सर पर रहेगा, लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब आप सोच हुए सभी कम समय पर पूरे कर पाएंगे, और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, काम कैसा भी हो अगर समय पर कर लोगे और समय पर हो जाता है तो उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलती है। हर एक चीज का सीमित समय होता है, और इस समय में उस काम को करना ही बेहतर रहता है, तभी आपको बेटर सफलता भी मिल पाता है। अगर आपको अपने जीवन का असली सुख चाहिए और ग्रह गोचर का पूर्ण रूप से भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से बिना मन निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी, न्याय के देवता, जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, जो भी प्रेम से जय माता दी, जय शनिदेव महाराज लिखेगा, उनके जीवन में कभी दुख दर्द, कोई मुसीबत, कोई संकट, कोई परेशानी माता रानी लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव महाराज जी नहीं आने देंगे। इतना तो फिक्स है। देखिए दोस्तों, जिस इंसान के ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है तो उनके जीवन में कभी दुख दर्द नहीं आती है। आधा से ज्यादा दुख तो ऐसे ही टल जाती है, और बाकी जो बचता है वह सब भगवान दूर कर देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दिन में एक से दो बार भगवान को जरूर याद कीजिए। जब आप भगवान को याद करोगे तभी भगवान आपको भी याद करेगा। भगवान का नाम लेने से जीवन के नकारात्मक दोस्त दूर होते हैं, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बहुत बड़े देवता जो कि पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान है और आप उसे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, अभी तक आप उनके संकेतों को जान नहीं पाए हैं। दोस्तों, यह बड़े देवता आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा आपके आसपास, आपके अगल बगल ही रहते हैं, और उनका पूरा नजर आपके ऊपर ही रहता है। इसलिए एक बात आप अपने जीवन में हमेशा नोटिस किए होंगे कि जब आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आपको तुरंत मिल जाता है, और लोग कितना से कितना गलत कर देते हैं, कुछ भी कर देता है, फिर भी उन्हें उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि कुछ लोग गलत करते हैं लेकिन गलत कार्य का परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान उनके ऊपर मेहरबान है ही नहीं। और जब आप छोटे से भी छोटे गलत कार्य करते हैं फिर भी आपको तुरंत परिणाम मिल जाता है, क्योंकि भगवान आपके ऊपर मेहरबान है, और भगवान नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य करें। दोस्तों, छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन बड़ी चीजों का रूप धारण कर लेता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। भगवान हमेशा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खूब मेहनत करें और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़े, हमेशा सही के रास्ते पर चले, ताकि परिणाम भी आपको सही प्राप्त हो। दोस्तों, उन देवता के बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं जो देवता आपके ऊपर मेहरबान है, और यह बात हमने पिछले कई वीडियो में भी बताया है कि पितृ देवता, कुल देवता, आराध्य देव आदि के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन इन देवता के बारे में हमने आपको कभी नहीं बताया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो देवता अभी आपके ऊपर मेहरबान है, ये देवता चाहे तो इंसान को भिखारी से महाभिखारी को चुटकियों में राजा बना सकते हैं। जी हां, और इस देवता के बारे में आप शायद नहीं जानते हैं और किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। दोस्तों, आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखें।
हम आपको उन सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि अब आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा हर हालत में पूरी होकर रहेगी, क्योंकि जो ज्ञान हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, यह ज्ञान की बात आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हमने बहुत ही जांच परख करने के बाद ऐसा वीडियो खास आपके फायदे के लिए बनाया है। मैं काफी समय से देख रहा हूं कि आप अपने जीवन में लगातार परेशानियां ही परेशानियां झेलते आ रहे हैं। जो भी उपाय बताता हूं, जो जानकारी मैं आप सभी को देता हूं, वह सब व्यर्थ चला जाता है और उतना मेहनत करने के बाद भी आपको जीरो के बराबर सफलता मिलती है। इसलिए आप भी अपने जीवन काल से परेशान हो चुके हैं कि आखिर हम अपने जीवन में करें तो क्या करें। गुरुजी जो भी बात बताते हैं मैं सब करके देखता हूं, फिर भी व्यक्ति चला जाता है। आखिर हमारे किस्मत में लिखा क्या है? भगवान क्या चाहते हैं, हमें जीने देंगे या नहीं? आप यही सब सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं अब, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता आपके ऊपर मेहरबान हो गए हैं। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर तो मेहरबान है ही, साथ ही साथ एक और भी बड़े देवता देव गुरु बृहस्पति आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार आपके ऊपर होने वाला है। जी हाँ, ऐसा चमत्कार होगा, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप खुद कहोगे कि अब मेरी किस्मत बदलेगी, आप मेरा जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और ना ही वीडियो को मिस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। ग्रह गोचर तथा पंचांग गणना करने के बाद वीडियो का निर्माण हुआ है। दोस्तों, अब आपके जीवन में देव गुरु बृहस्पति का चमत्कार होने वाला है और साथ ही साथ न्याय के देवता भगवान शनि देव जी तो आपके ऊपर मेहरबान है ही, भगवान महादेव जी का हाथ तो आपके सर पर है ही, साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति भी आपके ऊपर अब चमत्कार करने वाले हैं और अपना निराला खेल दिखाने वाले हैं। अब आपकी दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, दिन के चैन गायब हो जाएंगे। जी हाँ, इसीलिए हमने कहा है कि आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। आज की वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना आपका फर्ज बनता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि भगवान किस प्रकार से आपकी प्रार्थना सुनेंगे और किस तरह से आपकी टूटी फूटी किस्मत चमकेगी, और आखिर क्यों आप अपने जीवन में इतना सारा दुख झेल रहे हो। और भी राशि के जातक हैं, उन सभी के जीवन में परेशानी दुख तकलीफ क्यों नहीं आती है? सभी 12वीं राशि को छोड़कर केवल आपके जीवन में ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर भी हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका जो शनि है वह हमेशा से ही आपके विपक्ष में चला है, इसीलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन सभी चीजों में आपको असफलता ही मिलती है। थोड़ी सी खुशियां आपके जीवन में आती हैं, फिर किसी ऐसे मनहूस इंसान की नजर लग जाती है, फिर आपकी खुशियां बड़े मातम में बदल जाती हैं, यानी कि सीधे शब्दों में यूं कहें कि खुशियां दुख में बदल जाती हैं। जी हां दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में जो दुख दर्द चल रहे हैं, आप उन सभी दुख तकलीफों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीडियो में हम आपको वह जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आपकी किस्मत चमकेगी, कैसी आप अपनी जीवन को बदलेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार वीडियो है। अब आपके ऊपर न्याय के देवता भगवान शनि देव जी का कृपा आपके ऊपर बरसाने वाला है। दिखाओ, जिस प्रकार से सावन की बरसात होती है, वैसे ही आपके जीवन में भगवान शनि देव जी की विशेष कृपा बरसाने वाली है, क्योंकि जब आपकी दुख तकलीफ भगवान शनि देव की देखें तो उनसे भी आपका दुख दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वह आपकी दुख को देखकर रोने लगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफी लंबे से आपके जीवन में एक एक कर बहुत परेशानियां आ रही थीं और आप अपने जीवन में ही खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन भगवान शनि देव जी आपकी हर एक आंसुओं का कीमत चुकाने वाले हैं। जी हां, क्योंकि भगवान शनि देव जी ने आपकी सुन ली है। आने वाले अगले 24 घंटे के समय अंतराल में आपको 4 बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, खुशखबरी ऐसी होगी कि आपकी नींद उड़ाकर रख देगी। जी हां,
आखिर वह कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि भगवान शनि देव जी कहते हैं, और यह बात गीता में भी साफ शब्दों में लिखा गया है, कि राख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढते हैं? फरिश्ते पंछियों के पास कहां होते हैं नशे, फिर भी वह ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। दोस्तों, भरोसा अगर खुद पर हो और ऊपर वाले भगवान पर, तो डरने का और हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलता है जिनका ध्यान और फोकस रास्ते में आने वाले बाधाओं पर नहीं बल्कि अपने करियर पर होता है, अपने मंजिल पर होता है। दोस्तों, टांग पकड़कर खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाला इंसान बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अपना दुख तकलीफ और अपना कमजोरी हर किसी को मत बताओ। यह जरूरी नहीं है कि लोग हर हमेशा आपकी मदद ही करेंगे, इसलिए सोच समझ कर अपनी कमजोरी किसी को बताना। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा, जिस चीजों पर आपका ध्यान जाता है वही चीज आसपास अगल बगल आजू बाजू में दिखना शुरू हो जाता है। जो इंसान झूठ बोलता है उन्हें सब कोई झूठा ही नजर आता है, और आप अपने जीवन में इतने अच्छे हैं, इतने भोले भाले हैं, आप तुरंत हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही पूरी दुनिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आप सावधान हो जाइए। आप जितना सीधे साधे, जितना भोले भाले रहोगे, लोग आपको इतना परेशान करेंगे और उतना आपको लूटते जाएंगे। हर छोटी मोटी बात अपने दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उनके साथ वैसा ही बनकर रहो। जो लोग आपके साथ जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करिए, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। अगर बात समझ आई हो तो बोलिएगा हाँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपकी किस्मत में ही ब्रह्मा ने लिख दिया है, उनका समय आप बहुत ही नजदीक आ चुका है। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं, अब आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने का समय है। जी हाँ, यह समय कुछ कर गुजरने का समय है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें कि अब आपकी किस्मत का द्वारा ही खुलने वाला है। आने वाले अगले 24 से 26 घंटे के भीतर आपको अपने कर्मों का वह शुभ फल मिलने वाला है। इसके बारे में दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आने वाले अगले 24 से 26 घंटे के भीतर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत घटना होने वाले हैं जो कि दोस्तों आपने कभी सोच भी नहीं होंगे। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है सोचा हुआ कम समय पर पूरा नहीं होता है। जो मन में सोच रखते हैं वह नहीं होता है, और इसके बारे में नहीं सोच होते हैं कभी कभी वही हो जाता है। कहते हैं ना, आखिर वही हुआ जी, बात का हमें डर था, इसलिए डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समस्या जब आपसे बाहर होने लगेगा तो उसे संभालने के लिए भगवान है। इसलिए जहां पर कुछ समझ में जो आने लगे तो आप अपना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह घटना सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को मजाक समझने की गलती कोई भी मत करना और ना ही हल्के में लेने की भूल करना, क्योंकि स्वयं एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति ने दे दिया है बहुत बड़ा संकेत। दोस्तों, अब समय आ गया है आपके भाग्य का ताला खुलने का। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने अपने जीवन में बहुत से छोटे बड़े लोगों का डांट फटकार सुने हैं, लेकिन अब और नहीं, अब आपको सुख भोगने का समय आया है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके दुश्मनों की हार होगी और आपकी जीत होगी, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति जुड़ गई है। अब आप देखते जाओ आपकी जीवन काल में यह बड़ी दिव्य शक्ति कौन कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं और कौन कौन से परिवर्तन करने वाले हैं। आपके व्यापार, व्यवसाय, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, दैनिक दिनचर्या व अन्य सभी स्तरों पर अब चमत्कार पे चमत्कार होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एकदम शांत और अकेले में देखना। अगर आप अपने जीवन का चरम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत, वैभव, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिलेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अब सांसारिक सुख भोगने का समय आ गया है।
दुनिया की सभी खुशियां आपके कदमों में होंगी, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता, एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपकी कुंडली में विराजमान हो गए हैं। आखिर कौन कौन से सुख आपके किस्मत में लिखा है? नौकरी का सुख मिलेगा, व्यापार कैरियर बिजनेस का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, प्यार का सुख मिलेगा, धन दौलत का सुख मिलेगा। इन सभी के ऊपर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 7 बिंदुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आप सभी लोगों को अवश्य पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम आपके जीवन में होने वाले 2 ऐसी बड़ी घटना के बारे में भविष्यवाणी करेंगे जो अगले 24 से 36 घंटे के अंदर आपके जीवन में घटित होने वाले हैं, जिनके परिणाम आपके जीवन में बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, आपको यह बता दिया जाए कि अगले 24 से 36 घंटे में ग्रहों की कौन सी दशा रहने वाली है और कौन सी 3 बड़ी विपत्तियां आपके ऊपर आने वाली हैं। अब इससे होगा कि आने वाले और आपके जीवन में होने वाले सभी गलतियों से पहले ही सतर्क हो जाएंगे और आप अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए ऐसे फैसले लेंगे जिससे कि आपके जीवन में आने वाले सभी विपत्तियां चले जाएंगे और देवी देवताओं का भी शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनमोल बात हम आप सभी को बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हवा एक दिशा में नहीं बहती है, वह अपनी दिशा बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख होते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, और यह तो प्रकृति का नियम है। सुख दुख की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, हमारा ध्यान और हमारा फोकस आने वाले महत्वपूर्ण विषय पर होना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर पाओगे। इन अगले 24 घंटे के समय अंतराल में आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो, इसलिए इस समय अवधि में अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप दिल खोलकर कर सकते हैं, क्योंकि यह अगले 24 घंटे का समय आपके लिए लाभ दिलाने वाला समय रहने वाला है। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे का समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप इस समय अवधि में बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति और बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन क्षेत्रों से भी अब आपको लाभ होने वाला है और सफलता मिलने वाली है जिन क्षेत्रों के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, अब आपको चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के असीम आशीर्वाद से यह समय आपके लिए भाग्य उदय का समय रहने वाला है, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना और इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखना। दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, तब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ और बहुत बड़ी गुप्त खबर सुनाने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं अगले 24 घंटे का महाराशिफल किस प्रकार से अगले इन 24 घंटे में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी धन दौलत से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आपकी वह सभी समस्या समाप्त होने वाली है और आपको अपने जीवन काल में धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सभी समस्याओं का अब अंत होगा। जी हां, भगवान ब्रह्मा विष्णु जी अंत करने वाले हैं। दोस्तों, पूरे घर में ताला लगा देना और किसी कोने में एकांत जगह बैठकर एकदम अकेले में ही वीडियो देखना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, यह खुशखबरी सबको हिलाकर रख देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसी खुशखबरी सबको नहीं मिलता है, बहुत खुश नसीब वालों को ऐसा सुनहरा मौका मिलता है। दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, तभी तो यह खुशखबरी आपको मिल रहा है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा जीवन भर खून की आंसू रोना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग निर्मित हो रहा है जो कि खुद भगवान ब्रह्मा विष्णु जी आपके घर पर आने वाले हैं और आपके घर पर दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, अब आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है और जो आपके नसीब में है, जो आपके भाग्य में है, वह भागकर आपके पास आने वाला है। दोस्तों,
बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि भगवान ब्रह्मा विष्णु जी ने आपके लिए बहुत बड़ा संदेश भेजा है। इस संदेश सरते आपको मेहनत करना होगा। इस समय में आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आपको उतना ही ज्यादा लाभ हो जाएगा। मैं आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है, क्या सरप्राइज है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो शुभ संदेश आपको मिलने वाला है, यह संदेश किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना जो कुछ आपको मिलने वाला है वह सब आप गंवा सकते हैं और आपके सारे सपनों पर पानी फिर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि यह खुशखबरी आपको मिले, यह शुभ संदेश आपको प्राप्त हो और भगवान ब्रह्मा विष्णु जी जो संदेश आपको देने वाले हैं यह आप ही को मिले, तो वीडियो को बिल्कुल अकेले में बंद कमरे में ही फंसाने वाले अगजो ले 24 घंटे के अंदर आप धन दौलत से मालामाल हो जाओगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर आपको करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है और आप अपनी जिंदगी को राव जाओ की तरह जीने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने जीवन में जितने ही ज्यादा दुख तकलीफ और परेशानी झेली हैं, अब उतना ही ज्यादा सी लाभ और खुशखबरी मिलने वाली है। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखना दोस्तों। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी गुप्त खबर और कौन कौन सी बड़ी खबर आपको पता चलने वाली है, इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ग्रह गोचर के आधार पर संपूर्ण और 100% सटीक जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको सुधार करने एवं स्वस्थ होने का विशेष अवसर मिलने वाला है। आप भूतकाल में की हुई अपनी किसी गलती को स्वीकार कर लेंगे और सामने वाले को संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे। ऐसा करके आप अपने दिल से काफी बद्धा बोझ उतार पाएंगे। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य का राज है और इसका उल्टा भी इतना ही सच है। IN आपके लिए यह जरूरी है कि आप खुश रहने और स्वास्थ्य के बीच के इस संबंध को समझें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मन से खुश न होने की स्थिति में जितनी ऊर्जा आप स्वस्थ रहने में लगाते हैं वह सब बेकार हो जाएगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो आपको ठंडे दिमाग से सोचकर अपनी नाराजगी का कारण पता लगाना और उसे दूर करना होगा। आज का दिन एकल व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, जो कि एक विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि आपके भविष्य के जीवन में प्रमुखता रखेगा। अगर आप एक रिश्ते में पहले से ही हैं तो आज इस बात का संकेत मिल सकता है कि ये लंबा और सच्चा प्यार है या एक मृग तृष्णा भर है। आज आप एक गंभीर रिश्ते की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें। आपकी प्रकृति उत्सुक और अदमनीय है और आप किसी भी प्रकार का नियंत्रण पसंद न करते। आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। इसके स्थान पर खुशी और प्यार दें और आपको भी बदले में खूब खुशी और प्यार मिलेगा। अपनी काम की मारामारी वाली जिंदगी में अपने सहकर्मियों के साथ किसी छोटी सी यात्रा पर जाकर रंग भर सकते हैं। थोड़ी से मेहनत और धीरज के साथ आपका दिन आज बहुत सफल सिद्ध हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती धीरज बनाए रखना ही है। आपको समय बहुत ही धीमी गति से सरकता हुआ महसूस होगा और आपको लगेगा कि जिस गति से आप चाहते हैं उस गति से अब कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो सारा एजेंडा ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए दिन की शुरुआत किसी राहत देने वाली एक्सरसाइज से करें। विरोधाभासी ग्रहों की वजह से आज आप विपरीत दिशा में जा सकते हैं। आप एक निर्णायक निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन आप काफी सतर्क हैं और किसी भी तरह का असंतुलन नहीं चाहते। इन विरोधाभासी प्रभावों के कारण आपका प्यार का जीवन काफी दिलचस्प हो जाएगा। इन सबसे आपको अपने साथी या अपने रिश्तों पर एक सबक मिलेगा जो कि आपको भविष्य के लिए योजना बनाने में मददगार साबित होगा। आप कुछ समय से एक बदलाव पर विचार कर रहे हैं। आज आप एक ऐसे अवसर को देखेंगे जो आपको आकर्षित करेगा।
सक्रिय रहे और निर्णय ले। आपको एक साक्षात्कार कॉल भी मिल सकती है। आपके आत्मविश्वास और विषय ज्ञान के साथ एक साक्षात्कार को उत्तीर्ण करना आपके लिए कभी समस्या नहीं रही है, तो पहला कदम उठाइए और निर्णय ले। एक सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय अपने धन का ध्यान रखें और सावधान रहें। आपको समय फिलहाल रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन धीरज रखें और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें। हालांकि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध की खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्ष्यों को एक तरफ करना पड़ी डीएच सकता है। अपने साथी के साथ विवादों और गलत फहमियों से बचें, अधिक परेशान न हो, थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से अपने दोनों एजेंडा पूरे कर पाएंगे। आप पेट के खराब होने से परेशान हो सकते हैं, इसीलिए तैलीय खाना कम खाने की कोशिश करें, पानी भी खूब पिए। शाम तक आपको कुछ बेहतर महसूस होगा, लेकिन जिनको पहले से इस प्रकार की कोई तकलीफ है उनके लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। आज अपने साथी के साथ बाहर जाने का उपयुक्त समय है। इस समय का कुछ हल्की फुल्की बातों से आनंद ले, किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचे। साथ ही साथ अपने साथी की भावनाओं को तोलने की कोशिश न करे। आपका साथी भी जश्न के मूड में है और किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचने की मुद्रा में है। हालांकि अभी सब कुछ थोड़ा जल्दबाजी होगी। आपका ये रिश्ता बहुत गहरा होकर फैल सकता है या एक सिटी की तरह बजने के बाद टाई टाई फिस हो सकता है। अच्छे समय का आनंद उठाएं। अपने स्वयं के वित्त एवं धन का नियंत्रण लेना आपके लिए अब बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत से डरते नहीं हैं। आज आप बहुत संगठित और अनुशासित हैं और आप बहुत ही व्यावहारिक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र और कैरियर के मुद्दों से निपटने के लिए तैयार हैं। आज आप अपने अच्छे काम शुरू करें और एक बहुत ही कम समय के भीतर आप अपने वित्त एवं धन के सकारात्मक परिणाम को महसूस करेंगे। आज आप बहुत सृजनात्मक अनुभव करेंगे। खूबसूरती की प्रशंसा के साथ साथ खुद भी कुछ खूबसूरत चीज बनाना चाहेंगे। दिन कलाकारों के लिए विशेष अच्छा है। हालांकि आज शुरू किए हुए कार्यों को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि अचानक आप विकर्षित सा अनुभव करने लगेंगे। यह भावना काफी सामान्य है, लेकिन आप इसके कारण बिना बात निराश सा अनुभव करेंगे। आज अपनी और अपने परिजनों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे हैं तब तो आपको और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी तकलीफें भी अचानक ही महत्वपूर्ण दिखने लगेंगी, इसीलिए आपको पहले से रोकथाम के उपाय कर लेने चाहिए। यह ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस चीज को खाने के बाद